तृतीय अध्याय भक्ति का स्वभाव विवेक। शुद्ध भक्ति स्वभावस्य प्रभावान यत पदाश्रयाद सदैव लभते जीवस्तम चैतन्यम भजे। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं: क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा संद्रनंद विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षणी। साधन अवस्था में भक्ति के केवल पहले 2 गुण लक्षित होते हैं, भाव अवस्था में पहले 4 और प्रेम अवस्था में उक्त 6 गुण लक्षित होते हैं। नीचे भक्ति के स्वभावगत इन 6 गुणों का क्रमशः विवेचन किया जा रहा है। प्रथम, क्लेश अग्नि अर्थात जो भक्ति का आश्रय लेते हैं, भक्ति देवी स्वभावतः उनके समस्त प्रकार के क्लेशों को दूर कर देती है। क्लेश 3 प्रकार के हैं: पाप, पाप बीज और अविद्या। जीवों में जन्म जन्मांतर में जो पाप किए हैं अथवा करेंगे, उन समस्त पापों के फलस्वरूप जीवों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। श्री चैतन्य शिक्षामृत द्वितीय वृष्टि 5 धारा में प्रधान प्रधान पापों का विवेचन हुआ है। उन पापों को 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। वे 2 भाग हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जन्म प्राप्त कर उसी जन्म में जीव जिन पापों का फल भोग करने के लिए बाध्य होते हैं, उन पापों को प्रारब्ध पाप कहते हैं। आने वाले जन्म में भोग के लिए बचे हुए पापों को अप्रारब्ध पाप कहते हैं। जन्म जन्मांतर में जीव जिन पापों का आचरण करते हैं, वे पूर्व कृत अप्रारब्ध पाप की श्रेणी में परिगणित होकर अगले जन्म में प्रारब्ध पाप हो पड़ते हैं। इस प्रकार अनादि विधि के द्वारा जीव जन्म जन्मांतरों में अपने किए हुए पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोग करते हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म, मुसलमान के घर जन्म, धनी के घर जन्म, दरिद्र के घर जन्म, सुंदर होना, कुरूप होना आदि सब कुछ प्रारब्ध कर्म फल हैं। इनमें यवन जन्म इत्यादि प्रारब्ध पाप हैं। भक्ति प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों प्रकार के पापों का ध्वंस करती है। विधि पूर्वक ज्ञान का आचरण करने पर ज्ञान अप्रारब्ध कर्म को नष्ट करता है। ज्ञानियों के शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध कर्म अवश्य ही भोग करने पड़ते हैं, परंतु भक्ति प्रारब्ध को भी नष्ट कर डालती है। यन नाम धे शवनानु कीर्तनात् यत प्रणात यत स्मरणादि क्वचित शवादो अपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवनु दर्शनात्। भागवतम 3:33-6। हे भगवन, तुम्हारा नाम श्रवण और कीर्तन कर, तुम्हें नमस्कार कर तथा तुम्हें स्मरण कर जब चंडाल भी तुरंत ही अर्थात जन्मांतर की अपेक्षा न करके सवन याग का अधिकारी हो जाता है अर्थात ब्राह्मण का अधिकार प्राप्त कर लेता है, तब तुम्हारे दर्शन से क्या लाभ होता है ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ दुर्जाति रूप प्रारब्ध पाप भक्ति से स्वाभाविक रूप में नष्ट हो जाता है ये कहा गया है। अब देखिए, भक्ति अप्रारब्ध पाप को भी नष्ट करती है। अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण प्रलयति विष्णु भक्ति रतात्मनाम पद्मपुराण। जिनको विष्णु भक्ति के प्रति अनन्य रूप से अनुराग है, उनके अप्रारब्ध पाप कूट अर्थात बीजत्व प्राप्ति के उन्मुख अर्थात वे सब अर्जित पाप जो केवल सभी वासना का रूप ले रहे हैं, बीज अर्थात वासनामय पाप समूह और फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध पाप समूह सभी कर्मशः नष्ट हो जाते हैं। भक्तों के पाप नाश के लिए पृथक रूप में कर्म या ज्ञानमय प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। जीवों के हृदय में स्थित पाप वासना को पाप बीज कहते हैं। पाप बीज केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट होता है। तेस्तान्य घानी पूयन्ते तपोदान व्रतादि न धर्मज तद्रेदयम तद पीशांग्री सेवया। भागवतम 6:2-17। धर्मशास्त्र में साधारण कर्म मार्ग में अनुष्ठित होने वाले कष्टपूर्ण चंद्रायन आदि व्रत रूप प्राश्चितों द्वारा तथा दूसरे दूसरे शास्त्रों में तपस्या दान आदि द्वारा जो पाप नाश की व्यवस्थाएं हैं, उनसे केवल वे पाप ही नष्ट होते हैं जिनके लिए वे अनुष्ठित होते हैं।
इन प्रायश्चितों से उन पापों का बीज अर्थात अविद्या से उत्पन्न पाप वासना नष्ट नहीं होती। पाप वासना केवल कृष्ण सेवा से ही दूर होती है, अर्थात भक्ति के अतिरिक्त किसी भी दूसरे उपाय से पाप बीज रूप हृदय वासना को दूर नहीं किया जा सकता है। भक्ति देवी के हृदय में विराजमान होते ही पाप वासना और साथ ही साथ पुण्य वासना भी समूल ध्वंस हो जाती है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में भक्ति के अविद्या हरत्व के संबंध में उल्लेख है। कृतानु यात्रा विद्यार्भि हरि भक्ति नरुत्तमा अविद्याम निर्दय यातयाशु दावत जवलेव पनगिम। जब हरि भक्ति हृदय में विराजमान होती है तब उनके पीछे पीछे विद्या शक्ति पधार कर जीवों के हृदय स्थित अविद्या को तुरंत दग्ध कर देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दावनाल वन में रहने वाले सर्पनियों को दग्ध कर डालती है। यदपाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्मशयम ग्रथितम उद्ग्रथदयंत संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतो दनिरुद्धः स्त्रोत्र गणयास्त मरणम भज वासुदेवम भागवतम 4:22-23। विषयों के प्रति विरक्त मति वाले यतिगण अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर भी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को उस प्रकार नहीं खोल पाते जिस प्रकार भक्तजन श्री कृष्ण पाद पद्म पलाश विलास रूप भक्ति द्वारा अत्यंत सहजी खोल लेते हैं। अतएव परम आश्रय रूप उन श्री कृष्ण का ही भजन करो। ज्ञान चेष्टा के द्वारा अविद्या का कुछ कुछ नाश होने पर भी भक्ति के बिना निराश्रित साधक का पतन अनिवार्य है। ये अन्यर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनस तम या स्वभाव विशुद्ध बुद्धया आरुह कृष्णेना परम पदम तथा पतन्ति अधो अनादित युष्मद आंग्रिहि भागवतम 10:32। हे कमल नयन, जो लोग ज्ञान मार्ग द्वारा नेति नेति कर जड़ के अतिरिक्त कोई अवस्था प्राप्त होकर अपने को मुक्त मानते हैं और आपकी भक्ति से विमुख होते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वह अत्यंत दुख से अविद्या को पार कर ब्रह्म रूप परम पद प्राप्त कर भी आपके चरण कमलों के नित्य आश्रय के अभाव में पुनः अधपतित हो जाते हैं। हे अंतरंग भक्तवृंद, अविद्या का नाम सुनकर आप लोगों को अविद्या का स्वरूप जानने के लिए उत्कंठा हुई होगी, इसलिए मैं अविद्या के संबंध में दो एक बातें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण की अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं, उनमें से चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीन शक्तियाँ प्रधान रूप से परिचित हैं। चित्त शक्ति से भगवत धाम एवं भगवत लीला के समस्त उपकरण प्रकाशित होते हैं। चित्त शक्ति का दूसरा नाम स्वरूप शक्ति है। जीव शक्ति से अनंत जीवों का उदय हुआ है। जीव स्वरूपता शुद्ध चित्त तत्व है, परंतु पूर्णता के अभाव में माया में फंसने के योग्य होते हैं। वे इच्छा करने से कृष्ण विमुख होकर माया के अधीन हो सकते हैं, अथवा इच्छा करने से कृष्ण उन्मुख होकर माया से मुक्त होकर कृष्ण सेवा कर सकते हैं। बद्ध और मुक्त जीवों का यही पार्थक्य है। बद्ध अवस्था में जीव स्वरूप के ऊपर माया दो प्रकार से कार्य करती है, एक विद्यावृत्ति से, दूसरे अविद्यावृत्ति से। माया अपनी अविद्यावृत्ति द्वारा जीव के स्वरूपगत शुद्ध अहंकार को आच्छादित कर जड़ तत्व में अहम बुद्धि रूप मिथ्याभिमान अर्थात विकृत अहंकार पैदा करा देती है। इस अविद्या का बंधन ही जीव की बद्ध अवस्था की प्राप्ति है। अविद्या से मुक्त होने पर जीव निरुपाधिक होकर मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। अतएव अविद्या और कुछ नहीं, केवल जीव के स्वरूप को भ्रम में डालने वाली माया की एक वृत्ति विशेष है। अविद्या से जीव में कर्म वासना होती है, कर्म वासना से पाप पुण्य की क्रिया आरंभ होती है। यह अविद्या ही जीवों के समस्त दुखों की जड़ है। एकमात्र भक्ति ही इस अविद्या का नाश करने में समर्थ है। कर्म केवल पाप का नाश कर सकता है, ज्ञान पाप पुण्य दोनों की मूल वासना का नाश कर सकता है, परंतु भक्ति पाप को, पाप पुण्य के बीज वासना को एवं वासना की जननी अविद्या को भी जड़ से ध्वंस कर डालती है। द्वितीय, भक्ति स्वभावतः शुभदा होती है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, शुभानी प्रीणी नाम
सर्व जगदानु रक्त था सद्गुणः सुख मित्यादि ने ख्यात नि मनीष भी। संपूर्ण जगत के प्रति प्रीति एवं संपूर्ण जगत का अनुराग लाभ समस्त सद्गुण और सुख आदि कतिपय मंगलमय प्राप्तियों को पंडित जन शुभ बतलाते हैं। अब पद पुराण में ये कहा गया है कि संपूर्ण जगत के प्रति प्रीति और संपूर्ण जगत का अनुराग लाभ का तात्पर्य क्या है। ये न अर्चितो हरिस्तेन तर्पन्त्यानि जगन्त्यपि रजयन्ति जन्तवस्त्रत जंगम स्थावर अपि। जिन्होंने श्री हरि का अर्चन किया है उन्होंने समग्र जगत को तृप्त कर दिया है। स्थावर एवं जंगम समस्त प्रकार के प्राणी उनके प्रति अनुराग करते हैं। तात्पर्य यह है कि हरि भजन परायण व्यक्ति सबके प्रति विद्वेष रहित निच्छल अनुराग करते हैं, इसलिए दूसरे भी उनके प्रति अनुराग करते हैं। भक्तों में समस्त प्रकार के सद्गुणों का स्वभावतः ही विकास होता है। भक्तों के जीवन चरित्र से इसका सहजी अनुमान लगाया जा सकता है। इस विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वगुणस्ते तत्र समास्तो सुरा हर अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। भगवान के प्रति जिनकी अकिंचना भक्ति होती है उनमें समस्त सद्गुणों के साथ समस्त देवता निवास करते हैं। असत मनोरथों के कारण बहिर्विषयों के पीछे पीछे भागने वाले अभक्त पुरुषों में महद्गुण के पाए जाने की संभावना कहाँ। दया सत्य नम्रता वैराग्य ज्ञान आदि महद्गुण भक्तिपूत हृदय में ही उदित होते हैं। विषय वासनों से पूर्ण हृदय में ये सब गुण अनेक प्रयत्न करने पर भी उदित नहीं होते। सुख प्राप्ति शुभ के अंतर्गत होने पर भी उसका विवेचन पृथक किया जा रहा है। भक्ति स्वभावतः सुखदा होती है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, बद्ध जीव के सुख तीन प्रकार के होते हैं। मुक्त जीवों को वैश्यिक सुख नहीं होता। तीन प्रकार के सुख ये हैं, वैश्यिक सुख, ब्रह्म सुख, ऐश्वर्य सुख। जड़ जगत में जितने प्रकार के जड़ आश्रित सुख हैं वे सभी वैश्यिक सुख हैं। अष्टादश सिद्धि स्वर्ग आदि सुख और समस्त प्रकार के ऐहिक सुख ही वैश्यिक सुख हैं। संसारिक भोग विषयों को दुखपूर्ण एवं अनित्य जानकर नीति नीति कहते हुए उनको छोड़ने की चेष्टा को व्यतिरेक चेष्टा कहते हैं। ऐसी व्यतिरेक चेष्टा द्वारा जड़ीय भाव को दूर कर विकारहीन ब्रह्म में अपनी आत्मा को एक के रूप में चिंतन करते करते जो निर्विशेष सुख होता है उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के नित्य अनुगत से जो सुख मिलता है उसे ऐश्वर्य सुख कहते हैं। हरि भक्ति स्वभावतः समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करती है। अवस्था भेद और वासना अनुसार वे वैश्विक या ब्रह्म अथवा ऐश्वर्य समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान कर सकती है। सिद्धया परमाश्चर्यम भुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यंच परमानंदम भवेद गोविंदम भक्तितः। तंत्र अनिमा महिमा लगीमा प्राप्ति इशिता वशित्व प्राकम्य काम वासेता। ये आठ सिद्धियां समस्त प्रकार के विशेष सुख मुक्ति अर्थात ब्रह्म सुख एवं नित्य परमानंद सब कुछ श्री गोविंद की भक्ति से प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति सुदोद्यो में लिखा है, भूयो अपि याचे देवेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में या मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता। देवेश मैं पुनः यह वर मांगता हूँ कि तुम्हारे प्रति अनन्य भक्ति हो, जिस भक्ति के प्रभाव से अपने अधिकार के अनुसार कोई कोई अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं और कोई कोई प्रेम सुख को लाभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति समस्त प्रकार के सुखों को देने में समर्थ है, परंतु भक्त जन समस्त प्रकार के सुखों को अर्थात वैश्विक और ब्रह्म सुखों को अत्यंत तुच्छ मानकर प्रेम सुख की ही खोज करते हैं। भक्ति की सहायता के बिना कर्म और ज्ञान कोई भी फल देने में असमर्थ हैं। अतएव किसी भी अवस्था या अधिकार में भक्ति के बिना सुखोदय नहीं हो सकता। तृतीय
भक्ति स्वभावतः मोक्ष को भी हे समझती है। नारद पंचरात्र में कहा गया है, हरि भक्ति महादेव्य सर्वमुक्त्यादि सिद्धय भुक्तयस्तवद्भुतास्तय स्याश्चेटी का वदनुव्रतः। भुक्ति आदि समस्त प्रकार की सिद्धियां और निखिल अद्भुत भुक्तियां परिचारिका की तरह हरि भक्ति महादेवी के पीछे पीछे चलती हैं। श्री गोस्वामी ने भी इसे बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, मना के प्रूढ़ायम हृदय भगवद ऋतो पुरुषार्थस्तु चत्वारस्त्रान्ते समन्तता। अतएव जिस समय धर्म काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग स्वभावता अत्यंत तुच्छ बोध होने लगेगा, तभी शुद्ध भक्ति का उदय स्वीकार किया जाएगा। चतुर्थ, हरि भक्ति अत्यंत ही दुर्लभ है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति की सुदुर्लभता के संबंध में लिखते हैं, साधनो गेरन संगे लभ्या सुचि रादपि हरिना चायश देयति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। हरि भक्ति अत्यंत ही दुर्लभ है, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि बहुत समय तक निष्ठा और आग्रह शून्य होकर बहुत से साधन करने पर भी इसे पाया नहीं जाता। दूसरा कारण यह कि असंग युक्त साधन में लगने पर भी श्री हरि अपनी भक्ति को सहज ही देना नहीं चाहते। असंग शब्द का तात्पर्य भजन निपुणता से है। भजन विषयक निपुणता के अभाव में कोई भी साधन हरि भक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। भजन निपुणता के साथ बहुत दिनों तक भजन करने से नाम अपराध और वैष्णव अपराध दूर होने के पश्चात भगवत कृपा से स्वरूप ज्ञानमयी पराभक्ति का उदय होता है। ज्ञानता सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यता स्वयं साधन सहस्त्रे हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान से मुक्ति अनायास ही पाई जा सकती है और यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से मुक्ति सहज ही मिल सकती है, परंतु सहस्त्र सहस्त्र साधनों द्वारा भी हरि भक्ति सहज ही नहीं पाई जाती। भगवान अपनी भक्ति को सहज ही नहीं देते, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से होती है, राजन पतिर गुरुर्वलम भक्तम यदुनाम देवम प्रियः कुलपतिहि क्वचा किंकरो वह अष्टम एवं अनंगम भजतम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददातित कहर्चित समान भक्ति योगम। राजन, भगवान मुकुंद स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्ट देव सुहृद और कुलपति थे, यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। ये थोड़े सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भजन कार्यों को मुक्ति तो सहज ही दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी श्रेष्ठ जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। यहाँ श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने लिखा है, तस्माद असंगनापि कृते साधन भूते साक्षात भक्ति योगे सती यावता फल भूते भक्ति योगे गाढ़ शक्ति न जायते त्वाननन ददाति अर्थः। तात्पर्य यह है कि जो नविदा भक्ति का अवलंबन कर भगवत भजन में तत्पर हैं, वे जब तक शुद्ध स्वरूप ज्ञानमयी फल भक्ति रूपा रति तत्व के प्रति प्रगाढ़ रूप से आसक्त नहीं होते, तब तक भगवान उनको शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करते। उस समय तक अर्थात गाढ़ी आसक्ति होने के पूर्व तक उनकी भक्ति छाया भक्त्याभास के रूप में होती है। पंचम, भक्ति स्वभावतः सांद्रनंद विशेष आत्मा अर्थात घनीभूत आनंद है। ये पहले ही कहा गया है कि भगवान पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जीव उनका किरण स्थानीय अनुचिदानंद तत्व हैं। अतएव जीव में भी चित और आनंद अल्प परिमाण में है। आनंद कहने से लोग साधारणतः जड़ सुख को समझते हैं, परंतु समस्त जड़ सुखों को एकत्रित करने पर जो सुख होता है वह भी आनंद तत्व के सामने अत्यंत तुच्छ होता है। जड़ी आनंद अत्यंत शिथिल और क्षणिक होता है। चिदानंद सांद्र अर्थात घनीभूत आनंद विशेष है। भक्ति सांद्रनंद या घनीभूत आनंद है, ये जीव का सहज आनंद है। इसके निकट ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद जीव का नित्यानंद नहीं है, वह तो केवल जड़ विपरीत चिंता सुख मात्र है।
अतएव श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, भ्रमानंदो भवतेषु चेति प्रार्थिर गुणी कृतः नैति भक्ति सुखाम बोधो प्रमाण तुलामपि। केवल अद्वैतवादी अर्थात निर्विशेषवादी जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, उसे कोटि गुणित करने पर जो आनंद होता है वह भक्ति सुख समुद्र की एक बूंद के समान भी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मानंद को कल्पना के द्वारा जितना भी खींचकर लंबा क्यों ना किया जाए, वह जीव के स्वरूपगत आनंद की समता तो दूर रहे, तनिक सादृश्यता भी प्राप्त नहीं कर सकता। जीव का स्वरूप आनंद सहज वस्तु है, अतएव स्वाभाविक है। ब्रह्मानंद जीव तत्व के विरूपगत चेष्टा से उत्पन्न होने के कारण अस्वाभाविक है, अतएव अस्थाई होता है। इसलिए हरिभक्ति सुधोद्य में कहा गया है, तत् साक्षात करनाहलाद विशुद्धापि स्थितस्य मे सुखानि घोषपदायन्ते ब्रह्मणयापि जगद्गुरु। भगवान, मैं आपका दर्शन प्राप्त कर विशुद्ध आनंद समुद्र में स्थित हो गया हूँ। इस समय जड़ सुख की तो बात ही क्या, ब्रह्म सुख आदि मुझे घोषपद तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। शास्त्रों में ऐसे ऐसे बहुत से वचन हैं। षष्ठ, भक्ति सुख को आकर्षण करने वाली है, जैसा श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिया वर्ग समन्वितम भक्तिर वशी कृतोती श्री कृष्ण आकर्षणी मता। शुद्ध भक्ति समस्त प्रियजनों के साथ श्री कृष्ण को प्रेम द्वारा वशीभूत कर लेती है। भक्ति देवी का यही श्री कृष्ण आकर्षणित्व धर्म है। तात्पर्य यह है कि साधन अवस्था में जब तक शुद्ध भक्ति उदित नहीं होती, तब तक भक्त्याभास ही कार्य करता है। उस अवस्था में भक्ति दुर्लभ है, परंतु साधन दशा होने पर जब शुद्धा भक्ति उदित होती है, तब कतिपय भजनंगों का सौंदर्य विकसित हो पड़ता है। उसी समय जीव का सिद्ध स्वरूपानुभव और भगवत तत्व का सिद्ध स्वरूपानुभव, ये दोनों उक्त सौंदर्य के माध्यम से प्रदीप्त होते हैं। फल यह होता है कि भक्ति के प्रति चित्त में आसक्ति रूप गाढ़ी व्याकुलता पैदा होती है। इसी प्रकार भजन दशा उपस्थित होने पर शुद्धा साधन भक्ति शीघ्र ही रति या भाव रूप में प्रस्फुटित होकर अंत में प्रेम रूप में पूर्ण विकसित हो जाती है। भाव अवस्था में भक्ति प्रियजनों के साथ श्री कृष्ण को आकर्षण मात करती है, परंतु प्रेम अवस्था में भक्ति भक्त को श्री कृष्ण लीला का उपकरण बनाकर उसे परम रस का आस्वादन कराती है। आगे इसका और भी सुस्पष्ट रूप से विवेचन किया जाएगा। नीचे 5 श्लोकों में विश्व वैष्णव दास इस विषय का विचार दे रहे हैं। क्लेश अग्नि शुभदा भक्तिर यदा सा साधनात्मिका हृदय बद्ध जीवानाम तटस्थ लक्षान्विता। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुत्ता कृता सुदुर्लभा सा भक्तिर भाव रूपेण यावती स्थिति चेतसी प्रेम रूपा यदा भक्तिस्तदा तत्व गुणान्विता सांद्रनन विशेष आत्मा श्री कृष्ण अकर्चनी चासा मुक्तानाम एव सा शाश्वत स्वरूपानंद रूपिणी संबंध स्वरूपा नित्यम राजते जीव कृष्णयो। भक्त्याभासेन या लभ्या मुक्तिर माया निकृतन्ति सा कथम भगवद् भक्तेः साम्यम कांक्षति चेतिका। भक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। साधन अवस्था प्राप्त भक्ति का स्वभाव 2 प्रकार का होता है, क्लेश घनत्व अर्थात क्लेश को दूर करने वाली और शुभत्व अर्थात परम कल्याण को देने वाली। भाव अवस्था में भक्ति के 4 प्रकार के स्वभाव लक्षित होते हैं। प्रथम, क्लेश अघनत्व, सब प्रकार के दुखों को नाश करना। द्वितीय, शुभ दत्त्व, संपूर्ण कल्याण को देना। तृतीय, मोक्ष लघुत्ता कारित्व, मोक्ष को भी तुच्छ समझना। और चतुर्थ, सुदुर्लभत्व, दुर्लभ होना। प्रेम अवस्था में भक्ति के उक्त 4 स्वभाव तो प्रकाश पाते ही हैं, अधिक रूप में 2 स्वभाव और भी लक्षित होते हैं। प्रथम, सांद्रनंद विशेषत्व अर्थात घन आनंदत्व, और द्वितीय, श्री कृष्ण आकर्षत्व अर्थात श्री कृष्ण को भी आकर्षण करना। जीव जब तक बद्ध अवस्था में रहता है,
तब तक भक्ति के स्वरूपगत सांद्रनंद स्वरूपत्व, श्री कृष्ण आकर्षत्व और सुदुर्लभत्व, इन तीन स्वभावों के साथ तीन तटस्थ स्वभाव अर्थात क्लेश घनत्व, शुभदत्व और मोक्ष लघुत्ता कारित्व स्वभाव संबंध रहते हैं। मुक्त अवस्था में जीव की भक्ति जीव और कृष्ण के बीच नित्य संबंधगत सेवा और स्वरूपानंद रूपिणी होकर विराजमान होती है। माया के आवरण का नाश करने वाली मुक्ति भक्त्याभास से ही प्राप्त हो जाती है। वह मुक्ति भक्ति देवी की बहुत सी परिचारिकाओं में से एक साधारण परिचारिका मात्र है। वह भक्ति देवी के समान होने की वासना कैसे कर सकती है।